ओके जी, हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा है, इसका नाम है कोवलेंट सॉलिड्स। हम बेसिकली जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि हम सॉलिड्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जिसमें हम आयनिक सॉलिड्स को पढ़ाए हैं। अब नेक्स्ट इज़ कोवलेंट सॉलिड्स, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। थर्ड वन इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नंबर फोर इज़ मेटेलिक सॉलिड्स। और ये जो सी क्लासिफिकेशन है, ये हम इस बेस के ऊपर कर रहे हैं कि इनके दरमियान जो सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी हैं, उनकी बेसिस के ऊपर हम जो है अपना ये वाला क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे हैं। आयनिक सॉलिड्स हमने प्रीवियस टॉपिक में अपने स्टडी की, टुडेज़ टॉपिक इज़ कोवलेंट सॉलिड्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोवलेंट सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होंगे विच हैव कोवलेंट बॉन्ड, वो वाले तमाम सॉलिड्स जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है वो कौन से सॉलिड्स कहलाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एज कोवलेंट सॉलिड्स। अब यहाँ पे कोवलेंट सॉलिड्स की तो बात हम प्रॉपर्टीज उसकी बाद में देखेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि जब भी दो एटम, एटम ए एंड बी, ये आपस में बॉन्ड बनाए विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब भी वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करें, तो वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, आयनिक बॉन्ड में एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाते थे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, यहाँ पर वो शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम HCl की बात करते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेवन होते हैं। अब इसको अपने आठ पूरे करने के लिए एक चाहिए और इसको अपने दो पूरे करने के लिए भी एक चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि पहले शेल के अंदर दो होते हैं और हाइड्रोजन के पास चूंकि एक है तो इसके पास ये नहीं होगा, ये एक ही शेल के अंदर एक, पहले में दो पूरे करने के लिए इसको एक चाहिए। क्लोरीन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो पहले में दो, दूसरे में आठ, टोटल हो गए 10 और तीसरे में 7, तो इसको यहाँ पे पूरा करने के लिए भी एक और की ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इन सात में से किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में ये लोग शेयरिंग कर लेते हैं, और शेयरिंग करने के नतीजे में जो बॉन्ड अमल में आता है दैट इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये सारी पुरानी बात है जो आप इसको स्टडी करके आए हुए हैं। तो वो तमाम सॉलिड्स जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी द कोवलेंट सॉलिड्स। अब नॉर्मली इनको हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं, एटॉमिक सॉलिड्स। अब एटॉमिक सॉलिड्स इनको कहने की क्या वजह होती है, कोवलेंट सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड्स बिकॉज ये जिनसे मिलके बने होते हैं दे आर न्यूट्रल एटम्स। आयनिक सॉलिड्स जो थे वो आयन से मिलके बनते थे, जबकि एटॉमिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स को हम इसलिए कहते हैं कि ये न्यूट्रल एटम्स से मिलके बनते हैं। अगर हम HCl की बात करें तो क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम अलहदा और हाइड्रोजन एक अलहदा न्यूट्रल एटम के तौर पे जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो वो भी उसमें भी कार्बन एज एन इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एटम के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। इस वजह से हम कोवलेंट सॉलिड्स को एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। अब वो आपकी बुक में मेंशन करता है कोवलेंट सॉलिड्स की दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज मैक्रोमोलिक्यूल्स, या फिर जॉइंट मॉलिक्यूल्स। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये साइज़ में मैक्रो, बहुत बड़े साइज़ में मौजूद हैं, जिसकी एग्जांपल आपके पास, टिपिकल एग्जांपल इज़ डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो एक कार्बन एटम फर्दर
चार डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है। तो इसी स्ट्रक्चर को जब आप पूरे थ्री डायमेंशन के अंदर ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास डायमंड बन जाता है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड्स जो उनसे हैं, पहली टाइप हो गई जाइंट मॉलिक्यूल्स की, कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो उनसे हैं वो आपस में मिलते जाते हैं और डिफरेंट एटम्स आपस में मिलके एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो उनसा है वो बना देते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल्स में एल्युमिनियम नाइट्राइड भी जो है वो इन्वॉल्व है। दूसरी ये है कि आपके पास कोवलेंट बॉन्ड तो मौजूद है लेकिन उनके दरमियान लेयर्स बन जाती हैं। नंबर टू इज लेयर्ड मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर होता ये है कि आपके पास जो उनसे हैं डिफरेंट एटम्स वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू ज्वाइन करते हैं और लेयर्स बना देते हैं। लेयर्स की शक्ल में ये जो उनसे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सेपरेट लेयर्स इनकी प्रोड्यूस हो जाती हैं जिनको आप अलहदा भी कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो टिपिकल एग्जाम्पल है दैट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन होता है लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसकी वजह यह है कि ये लेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ग्रेफाइट के अलावा आपके पास बोरॉन नाइट्राइड और डिफरेंट जो उनसे हैं कोवलेंट सॉलिड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे पास लेयर्ड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हमने बेसिकली दो टाइप्स देखी कोवलेंट सॉलिड्स की, एक इज जाइंट मॉलिक्यूल जिसके अंदर थ्री डायमेंशन के अंदर स्ट्रक्चर फैल जाता है और एक बहुत जाइंट मॉलिक्यूल बन जाता है, एंड सेकंड वन इज लेयर्ड मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर क्या होता है कि लेयर्स जो उनसे हैं डिफरेंट वो एग्जिस्ट करती हैं। अब हम चलते हैं कोवलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज अगर हम इनकी स्टडी करें तो हमें ये पता लगता है कि इनके अंदर जो है पहली चीज वो इनका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर होता है। अब ओपन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एटम है ए जिसकी तीन वैलेंसियाँ हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड बनाएगा फर्दर आगे डिफरेंट एटम्स के साथ, बेसिकली चार इसकी हो गई हैं। अब इसी तरह हर एटम जो इसके साथ आगे अटैच होगा वो फर्दर तीन टोटल चार अपनी वैलेंसीज को एग्जिस्ट मतलब वैलेंसीज को पूरा करेगा और ये एक थ्री डायमेंशन के अंदर एक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो कर जाएगा और बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर को नाम देता है वो ओपन स्ट्रक्चर। वो कहता है जी कि डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो उनसी एटम की वैलेंसीज हैं वो पूरा हो रही होती हैं और इनकी जो उनकी पैकिंग होती है वो लूज होती है, लूज पैकिंग। इस वजह से इनके दरमियान ये स्पेसेस जो उनकी हैं वो मौजूद होती हैं। अगर आपको याद हो आयनिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता था कि एक पॉजिटिव आयन होता था और एक नेगेटिव आयन होता था, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चूँकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके दरमियान जगह ना होने के बराबर होती थी, ये बहुत करीब होते थे एक दूसरे के, तो इनकी पैकिंग बहुत ज़्यादा टाइट थी। लेकिन कोवलेंट सॉलिड्स की जो उनसी पैकिंग है वो लूज़ पैकिंग है, इस वजह से उनका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके दरमियान आयन्स मौजूद नहीं है, न्यूट्रल एटम्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो उनसा है वो एक ओपन स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कि ये नॉर्मली जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर कोवलेंट सॉलिड्स आर वेरी हार्ड और इनको तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जाहिर सी बात है कि अगर एक चीज़ हार्ड है तो उसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, और वो ज़्यादा एनर्जी का मतलब क्या है कि हमारे पास वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है हार्ड होना ए पार्ट, और इसमें सेकंड इज़ कि इनके जो उनसे मेल्टिंग पॉइंट्स हैं दे आर वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट्स
हाई। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड हैं और एक दूसरे को तोड़ना मुश्किल है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और एनर्जी ज़्यादा चाहिए का मतलब है कि वो हार्ड है। थर्ड इज़ वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अगर एक चीज़ ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और अगर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो सा है वो बहुत ज़्यादा है तो फिर उसकी वोलेटिलिटी उतनी ही कम होगी। वोलेटिलिटी का मतलब है कि एक चीज़ को अगर हमने मेल्ट करके रख दिया है तो वो वेपोरेट कितनी जल्दी होती है, तो वोलेटिलिटी इनकी जो सी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो हार्ट के अंदर तीन चीज़ें आ गई कि इनके स्ट्रक्चर हार्ड होते हैं, इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उन्हें चाहिए होती है तोड़ने के लिए वो जो है वो हाई होगी। सेकंड इज़ मेल्टिंग पॉइंट। वेरी सी बात है कि वो ज़्यादा एनर्जी लेके अगर टूट रहा है तो मेल्टिंग ही है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और वॉलेटिलिटी उनकी जो सी है वो लो होती है। अब थर्ड चीज़ जो हम इसकी तरफ देखने जा रहे हैं वो है इसकी कंडक्टिविटी, कि क्या ये अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं, क्या ये अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। तो नॉर्मली नॉर्मली जो उनसे कोवलेंट सॉलिड्स हैं दे आर बैड कंडक्टर्स। मेजॉरिटी जो उनसी है वो बैड कंडक्टर्स है। अब बैड कंडक्टर होने की वजह क्या है कि दे हैव गॉट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब भी करंट पास करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से ये जो उनसे हैं आपके पास बैड कंडक्टर्स हैं, बैड कंडक्टिविटी को शो करते हैं। हाँ, अगर किसी केस में ऐसा हो जाए कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएं कोवलेंट सॉलिड्स में, तो फिर वो कभी कभी कंडक्टिविटी भी जो है वो शो कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है ग्रेफाइट। अभी हम इस टॉपिक के शुरू में ये चीज़ देखकर आए हैं कि ग्रेफाइट इज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर लेयर्स मौजूद हैं। अब होता क्या है, मैं इसको इस तरीके से अगर बनाऊं, दीज आर द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट। ये मैंने ग्रेफाइट की फोर लेयर्स बनाई। अब क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रेफाइट के केस में, दे आर प्रेजेंट इन द लेयर्स। लेयर्स के दरमियान जो मिलने की जगह होती है लेयर्स, वहाँ पर जो है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट में मौजूद होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और हमें पता है कि इनकी जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में पॉसिबल है, लेयर्स के दरमियान ये मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इनको इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं इसके साथ अपनी बैटरी को अटैच करूँ जो कि पैरेलल है इस लेयर के, तो अब क्या होगा कि करंट पास करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जिस डायरेक्शन में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं आपकी बैटरी उसी डायरेक्शन में लगी है, तो इन लेयर्स के अक्रॉस इस डायरेक्शन में तो करंट पास कर सकता है, लेकिन अगर वही स्ट्रक्चर जो हमारे पास मौजूद है इसके साथ मैं बैटरी इस कंडीशन पे लगा दूं, उसके परपेंडिकुलर लगा दूं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, ये अब करंट को पास नहीं करेंगे क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। तो पैरेलल टू द लेयर्स अगर मैं बैटरी लगाऊं या कंडक्टिविटी करूं, पैरेलल टू लेयर्स इन केस ऑफ ग्रेफाइट, तो क्या होगा कि ग्रेफाइट मेरे पास कंडक्टर बन जाएगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। लेकिन अगर मैं उसके परपेंडिकुलर कंडक्टिविटी चाह रहा हूँ, अगर मैं उसके परपेंडिकुलर टू लेयर्स बैटरी अटैच करता हूँ, तो फिर मेरे पास इट विल बी वर्किंग एज नॉन कंडक्टर, ये बिजली को पास अपने अंदर से नहीं होने देगा। तो नॉर्मली जो है दे आर बैड कंडक्टर्स, ज़्यादातर कोवलेंट सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर, लेकिन इन केस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों जैसे कि ग्रेफाइट के केस में हमने देखा, तो वो कभी कभी कंडक्टिविटी को शो कर देते हैं। फोर्थ इज द सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी
सोल्युबिलिटी का एक बेसिक तरीन असूल है जो कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, विच इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीज़ को डिजॉल्व करेगी। अगर दो चीज़ें आप आपस में डिजॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके दरमियान कोई ना कोई सिमिलैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी कि मुझे वाटर और ऑयल को मिक्स करना है, तो ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर इज़ पोलर, ऑयल इज़ नॉन पोलर, वाटर इज इनऑर्गेनिक, वाटर इज ऑर्गेनिक, सॉरी उल्टा हो गया, वाटर इज इनऑर्गेनिक, ऑयल इज ऑर्गेनिक, इनके दरमियान कुछ भी सिमिलर नहीं है, इस वजह से दे डू नॉट मिक्स। अब हम बात कर रहे हैं कोवलेंट सॉलिड्स की सोलुबिलिटी की। कोवलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है कि दे आर नॉन पोलर। अब जितने भी कोवलेंट सॉलिड्स हैं मेजॉरिटी सारी उनकी तमाम के तमाम नॉन पोलर्स होते हैं। अब नॉन पोलर सॉलिड्स जो से हैं ये हमेशा डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, इसीलिए किसी भी कोवलेंट सॉलिड्स को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर इज पोलर जबकि ये नॉन पोलर हैं। इसी तरह इनके नॉन पोलर होने की वजह से ये सोलूबल हो जाएंगे उन तमाम लिक्विड्स के अंदर जो कि नॉन पोलर हैं, सोलूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जिनकी एग्जांपल्स अभी हम स्टडी करेंगे। इनमें सबसे पहले आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, फिर आ जाता है आपके पास बेंजीन। इन सॉलिड्स के, इन लिक्विड्स के अंदर कोवलेंट सॉलिड जो से हैं वो बड़ी आसानी से जो से हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे, एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि जो जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं, जॉइंट मॉलिक्यूल्स दे आर इनसॉल्युबल इन एवरी सॉल्वेंट। ये जो जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हर किस्म के सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है दे हैव वेरी लार्ज स्ट्रक्चर। लार्ज स्ट्रक्चर होने की वजह से दे डू नॉट इंटरैक्ट विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ, इंटरैक्ट विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ ये लोग इंटरैक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो सा है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने स्टडी की हैं आज कोवलेंट सॉलिड्स के हवाले से। अब हम एक टिपिकल एग्जांपल को उसकी स्टडी करते हैं, विच इज़ द डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड, ये तो आप सबको पता है। कार्बन के एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके पहले शेल में 2 एंड सेकंड में होते हैं 4। ये सारी बातें पुरानी हैं, इसको हमें अब स्टडी करना है। होता क्या है कि इसके अंदर जो उनसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने मौजूद हैं, 4। चार इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 4 ऑर्बिटल्स भी बना देते हैं, एक 2s होता है और 3 जो होते हैं उसके अंदर 2p होते हैं। ये ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलते हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 sp2 क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ये ऑर्बिटल, ये सारी डिटेल हम डिटेल में अपने 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इतना जान लें कि जो उनसे ऑर्बिटल्स होते हैं शेल के अंदर मौजूद, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं डिफरेंट तरीकों से, और फिर वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बना देते हैं। जब एक s और 3p आपस में ओवरलैप करेंगे तो वो sp3 हो जाएगा। अगर एक s 2p आपस में
ओवरलैप करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है. तो कार्बन के केस में डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो सी है वो होती है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. कार्बन 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 और ये कार्बन, ये टेट्राहेड्रॉन जो सा स्ट्रक्चर है ये कार्बन के केस में हमारे पास एग्जिस्ट करता है. ये टेट्राहेड्रॉन, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन, चार कोनों वाला स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर चारों कोनों के ऊपर कार्बन मौजूद होता है. और ये जो एंगल है ये 109.5 डिग्री. हमेशा याद रखें जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी 109.5 डिग्री उसके दरमियान बॉन्ड टू बॉन्ड एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो 109.5 होगा. तो तमाम के तमाम कार्बन, अब यही स्ट्रक्चर जो सा है तमाम डायमेंशंस के अंदर ग्रो करता जाता है और आपके पास कार्बन का स्ट्रक्चर जो सा है वो बन जाता है. कार्बन का स्ट्रक्चर जब एक टेट्राहेड्रॉन ये मैंने बनाई है ये जब थ्री डायमेंशन के अंदर एनलार्ज होती है तो वो कुछ इस तरह की बन जाती है. ये उसका कार्बन का स्ट्रक्चर है. अगर आप इसको स्टडी करें ये चार कार्बन थे जिन्होंने एक टेट्राहेड्रॉन बनाई, उसी के साथ नीचे जो सा है थ्री डायमेंशन के अंदर आपके पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो सा है वो ग्रो कर गया है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर. यही डायमेंशन जो सी है तमाम थ्री डायमेंशन के अंदर स्ट्रक्चर बेसिक सेम है, और वो जब ग्रो करता जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक डायमंड का जॉइंट जो सा है मॉलिक्यूल वो बन गया है. इसी तरह आगे अगर आप देखें इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ वो भी करेक्टरिस्टिक होती है. कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो एक करेक्टरिस्टिक लेंथ होगी जो कि हमेशा सेम रहेगी, विच इज़ 154 पिकोमीटर. तो डायमंड के केस के अंदर ये बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड एंगल जो है वो अभी हमने देख लिया 109.5 डिग्रीज का, और कार्बन टू कार्बन कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है. इस तरीके से हमारे पास जो सा है एक जॉइंट मॉलिक्यूल या एक मैक्रो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर देता. तो ये था हमारे पास आज का हमारा टॉपिक जो कि था कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, उसकी टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, और एंड पे हमने डायमंड को स्टडी किया. डायमंड को हमने देखा कि किस तरीके से डायमंड जो है कोवलेंट सॉलिड है, इसके बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, ये बॉन्ड बनाता किस तरह है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और किस तरह से ये ग्रो करता है. ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था.